को और के माने हमें दिया जीवन माने जीवन तो दे दिया हाँ। लेकिन उस जीवन देने का कोई फायदा नहीं जब तक वो परवरिश ना हो। अगर पौधा तो लगा दिया हो अमित चौधरी हाँ। अगर पौधा माली ने लगा दिया और बाद में उसकी सिंचाई गुड़ाई ना करे और डांगर ढोरों के पैरों से ना बचावे, आंधी तूफान से ना बचावे हाँ। तो वो पौधा नहीं होने का। तो सुन बात कहते के पिता ने जीवन पर वृष कर दिया पिता को बारंबार नमन। पिता ने जीवन पर वृष कर दिया पिता को बारंबार नमन। अपने मन की बात लाडली अपने
मन की बात लाडली जिनके पास ही बदलावे से छेड़छाड़ कोई करे बाहर तो बेटी से अगर बाहर कोई छेड़छाड़ कर देगा तो क्या होगा क्या होगा माँ क्या करेगी छेड़छाड़ कोई करे बाहर तो बापू लठ बरसावे से छेड़छाड़ कोई करे बाहर तो बापू लठ बरसावे से और माँ पूरी करे बालक की जिद माँ पूरी करे बालक की जिद जो भी बच्चा चाहवे से ज्यादा जिद भी ठीक नहीं है जिद भी ठीक नहीं फिर बाप के थप्पड़ खावे से ज्यादा जिद भी ठीक नहीं फिर बाप के थप्पड़ खावे से माता का पृथ्वी का दर्जा माता का पृथ्वी का दर्जा पिता का दर्जा नील गगन जीवन परवश कर दिया पिता को जीवन में दर्जा दोनों का बराबर है लेकिन यहाँ लड़ाई इस बात की है कि माँ का दर्जा बड़ा या बाप का दर्जा बड़ा है सुनिए बड़ी गौर देने लायक बात आपके बीच सुना रहे हैं आइए गुरुजी और सुन अब के जो बात करने जा रही हूँ ना अच्छा। अब के तेरी नाड़ नीचे को हो जाएगी कहिए अब के तेरी बिल्कुल बोलती बंद हो जाएगी जल्दी कहे के माँ के काम करे है देखे माँ बच्चों के लिए ना हाँ। देख यदि बच्चा यूं कहेगा हाँ। कि मैंने डॉक्टर बनना है हाँ। मैंने इंजीनियर बनना है हाँ। तो वो अपने गहने तक बेच देती है अच्छा ठीक इस वजह से ऊंचा है हाँ। सवाल का जवाब सुन ले बेच सके रे माँ गहने तक दे सके और पिता अपनी औलाद को कामयाब करने के लिए हाँ। गहने गहने नहीं बता दूं के बेचता है हाँ। अब क्या कहे हाँ माँ गहने तक बेच सके रे माँ गहने तक दे सके पिता बेच देगा अपना कर दिया पिता को बारंबार नमने दान जीवन परवश कर दिया संगम
अगर हुए है यू सोचा था ना इस दहेज में मैं ही चली जाऊँ। बहुत बढ़िया बात बेटी के साथ भाई, माँ के रोने के लिए ताली बजा दो एक बार। माँ रोती है दिल से, रोती है माँ, लेकिन रोती है। बाप क्या करता है दिल से रोती है। बाप क्या करता है, बाप नहीं रोता। मुझे ये सारे इनमें से ज्यादातर बाप बैठे हुए हैं, हाँ बाप बैठे हैं। एक भी बाप ऐसा बता दो कि जो जोर जोर से तो चाहे भले ही ना रोया हो लेकिन उसकी आंख से आंसू टप टप डब डब नहीं पड़ी हो, कोई भला बाप बता दो। क्या बात है, इसलिए पिता रोता जरूर है लेकिन वो दिखाई नहीं देता, सिर्फ इतनी बात है। कह दे बात है। सासू के जावे बेटी, सासू के जावे बेटी, मारो वे दिल की गहराई दे। हाथ जोड़ के अरज करे पिता, हाथ जोड़ के अरज करे पिता, शक्ति और जमाई दे। बेटी विदा होती है, मैं भी दो कर ली, तीसरी अब करूंगा, लेकिन उस समय पिता के हाथ अपने समधी की तरफ ऐसे रहते हैं और जमाई तो छोटा बच्चा ही होता है उसके लिए, लेकिन उसकी तरफ भी ऐसे ही हाथ हो जाते हैं पिता के। इतनी ममता और इतना उसके दिल में दर्द होता है बेटी की विदाई का। मेरी बात में जानो तो तालियों से एक बार स्वागत करो, धन्यवाद। अब कह दे अदब कायदे सिखा के मां भने, अदब कायदे सिखा के मां भने, बेटी को अच्छाई दे। राजा जनक भी माफी मांगता सुना है बरात विदाई पे, राजा जनक भी माफी मांगता है बरात विदाई पे। जिस समय सीता जी विदा हो रही थी उस समय राजा जनक ने दशरथ से कहा कि मेरे से गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना महाराज। तो दशरथ ने उल्टे हाथ जोड़ करके कहा कि माफी मैं मांगूंगा, क्योंकि नहीं मैं छोटा हूं, मैं बेटी वाला हूं, मैं छोटा हूं, आप बड़े हैं, क्योंकि नहीं आप बड़े हैं। राजा दशरथ को ये बात, राजा दशरथ ने जनक से ये बात कही कि आप बड़े हैं क्यों, क्योंकि आप दान दाता हैं, मैं छोटा हूं क्यों, क्योंकि मैं दान लेने वाला हूं, इसलिए माफी मैं मांगूंगा। तो राजा जनक ने भी माफी मांगी, तब दशरथ ने ये कहा था सुनने बात तो राजा जनक भी माफी मांगता सुना है बरात बिताई, राजा जनक भी माफी मांगता सुना है बरात बिताई। अब बता भाई फैसला कौन करेगा, गुरुजी फैसला तो जनता करेगी, जनता जनार्दन है भगवान के बराबर है। तो देखिए करवा के बजो, बाप को बड़ा मान रहे एक बार वो हाथ ठा के दिखाए, जो बाप को बड़ा मान रहे लो भाई, और जो माँ को भी बड़ा मान रहे वो भी हाथ ठा के दिखाइयो। गुरुजी ये तो चीटिंग हो रही है, माँ के बड़ी ये बैठी और बाप ये बैठे। अच्छा अमंदे से लगे दोनों बराबर कर दो, चलो ठीक है तो कहे बात। अच्छा तो करम पाल, तो करम पाल राम पाल कहे रे, करम पाल राम पाल कहे, दोनों तो खिले बच्चे का चमने, पिता ने जीवन परवश कर दिया पिता को बा...